बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको अपने फर्स्ट व्लॉग में वेलकम करते हैं। ये चूंकि हमारा पहला व्लॉग है तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे दस्तोबाजू बनेंगे और इस चैनल को कामयाबियों तक पहुंचाएंगे। तो गाइस, मेरा नाम है मलक हसन अवान और मैं पाकिस्तान के सूबा पंजाब के एक जिला उकाड़ा के गांव में रहता हूं। आपको अपना माहौल, आपको अपना कल्चर सब दिखाएंगे। चूंकि हम देहाती हैं और हमारा ताल्लुक ज़राअत से है, तो हम चूंकि देहात में रहने वाले हैं, इसलिए हम आपको अपने इलाके के तमाम देहात दिखाएंगे, देहातों के कल्चर, और दिखाएंगे कहाँ कहाँ हमारे देहातों की रिवायात जिंदा हैं, कहाँ कहाँ लोगों ने अपने कल्चर को जिंदा किया हुआ है। तो सबसे अहम और ज़रूरी बात जो हमने आपसे शेयर करनी है वो ये है कि हमारी ताकत सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, हमें किसी दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं। हम किसी बड़े यूट्यूबर या बड़े व्लॉगर के पास जाकर ये रिक्वेस्ट नहीं करेंगे कि हमारा चैनल ग्रो कर दो या हमारे चैनल पर ऑडियंस लेके आओ। नहीं, हम अपनी मेहनत करेंगे, हम जो कुछ हकीकत में है वो आपको दिखाएंगे, और वो दिखाएंगे जो आप देखना चाहते हैं। उसमें एंटरटेनमेंट भी होगा, फनी भी होगा, टूर और ट्रैवलिंग भी होगी, मतलब सब कुछ जो आप देखना चाहते हैं, देहात की ज़िंदगी से लेकर शहर की ज़िंदगी तक। हम आपको हर सफ़र में अपने साथ रखेंगे और किसी बड़े व्लॉगर के पास जाकर मिन्नतें नहीं करेंगे कि हमारा चैनल ग्रो करवा दो, क्योंकि हमारी ताकत आप हैं और हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। तो चलें, आज का तआरुफी व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारा इलाका कैसा है। जी तो गाइस, हम तैयार हो चुके हैं और चलते हैं, आपको दिखाते हैं अपना माहौल। हमारे साथ हमारी मोटरसाइकिल होगी। तो अभी हम नहर किनारे खड़े हैं, ये नहर है और देख रहे हैं आप, यहाँ से पानी खेतों की तरफ जा रहा है, खेत यहाँ से सैराब हो रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आपको दिखाते हैं देहात का माहौल। तो जिस जगह हम आ चुके हैं, आपको दिखाएं कि ये जो सारा एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली यहाँ दरियाए ब्यास बहता था किसी वक्तों में, और ये सारा पेट है दरियाए ब्यास का। ये जगह काफ़ी नीची है, ढलवान की सूरत में है, और जो आपको इस साइड पे हम ये देख दिखा रहे हैं कि ये मिट्टी के जो टीले आपको नज़र आ रहे हैं, ये टीले काफ़ी ऊँचे हैं। ये कहते हैं कि दरियाए ब्यास का ये किनारा था, एक वक्त था कि जब दरियाए ब्यास अपने उरूज पर था, तो ये दरियाए ब्यास का किनारा था और ये वो जगह है जहाँ दरियाए ब्यास बहता था। अब चूंकि ये सूख चुका है, तो ख़त्म हो चुका है, तो अब यहाँ लोगों ने खेतीबाड़ी कर दी है, गांव बसाने शुरू कर दिए हैं। तो अब हम चल के आपको दिखाते हैं टीलों के ऊपर वहाँ क्या माहौल है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं उन टीलों के ऊपर। आप देख रहे हैं मेरे पीछे भी ये सारा आप माहौल देख सकते हैं। अब तो यहाँ भी लोगों ने फसलें काश्त कर ली हैं, लेकिन एक वक्त था जब हम बचपन में थे, छोटे थे, तो ये बड़े बड़े टीले हुआ करते थे। तो दोस्तों, जिस जगह पे हम खड़े हैं, हमारे इस साइड पे उकाड़ा है, इस साइड पे रिनाला है,
और इस साइड पे तहसील दीपालपुर है। हम इसके सेंटर में है, हमारा गांव इस सेंटर में है। तो यहाँ बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टीले हुआ करते थे, अब लोगों ने अपने वो काश्त के काबिल बना ली है जगह। आप देख रहे हैं ये सामने इस तरह यहाँ अब खेती बाड़ी होने लग गई है। तो पहले यहाँ बड़े बड़े ऊंचे टीले हुआ करते थे। कहते हैं कि ये दरियाए ब्यास का एक किनारा था, दरियाए ब्यास अपने जोबन पर होता था। तो जब से दरियाए ब्यास ख़त्म हुआ है, वो हमारे बचपन तक तो एक नहर की सूरत में भी था, उसमें साफ पानी था, हम उस पानी में नहाते भी रहे हैं। लेकिन अब एक सेवरेज नाली नुमा वो रह गया है, निशानी सी रह गई है, वो भी ख़त्म हो चुका है। तो बेसिकली बड़ा खूबसूरत इलाका है, विज़िट करने के काबिल भी है, घूमने फिरने के काबिल भी है। जी तो दोस्तों, आज का व्लॉग यहाँ पर ख़त्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारी उम्मीद बनेंगे, आप हमारे दस्तोबाजू होंगे और आप अपने इस चैनल को बहुत आगे लेकर जाएंगे, चैनल को भरपूर सपोर्ट दें। दोस्तों आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने व्लॉग क्यों शुरू किया, क्योंकि हम देहात के रहने वाले हैं, इसलिए शहर की रौनकें और रोशनाइयाँ अपनी जगह, मगर जो सुकून और जो मज़ा देहाती लाइफ में है वो कहीं और नहीं। और उन दोस्तों के लिए जो देहात के रहने वाले थे, आज तरस रहे हैं देहात की उन ठंडी हवाओं को। ये देखें जिस जगह हम खड़े हैं, ये ऊपर हमारे जामुन का दरख्त है और जिस दरख्त के नीचे खड़े हैं ये आम का दरख्त है। तो हमने इस सीज़न भरपूर आम भी खाए हैं, भरपूर जामुन भी खाए हैं। तो भाई फुल इंजॉय करते हैं गाँव की ज़िंदगी को, गाँव की लाइफ को। तो इस तरह हम आपको भी इंजॉय करवाएंगे गांव की लाइफ को और दिखाएंगे अपने कल्चर को, अपनी रिवायात को। तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। ओए यार, बड़ी शिद्दत की धूप है, बड़ी गर्मी लग रही है, पसीना आ गया है। लेकिन आप जानते हैं इसमें मज़े की बात क्या है? मज़े की बात है कि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, यही तो असल बात है, यही तो गांव की जिंदगी है। इस व्लॉग में चूंकि आज इंट्रोडक्शन था, फर्स्ट व्लॉग था, तो अगले व्लॉग में हम आपको अपना गांव दिखाएंगे, गांव की गलियां दिखाएंगे और खुसूसन आपको अपनी जमीन का विजिट करवाएंगे, आपको अपनी हरी भरी फसलें दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब देखने वालों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।